हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैले सिंह मैकेनिक। आज हम बताने जा रहे हैं कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक है जिसका लॉक की बदलने जा रहे हैं। तो इसको कैसे बदला जाता है, ये लॉक की कितने का आता है, ये सब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पहले शो हमें खोलना होगा। अगर ऐसे हम लॉक की बदलते हैं तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो शो हम खोल लेते हैं। अभी ये शो खोलने के बाद हम हेडलाइट जो कांच है वो खोलेंगे। चलिए ये भी खुल गया। अब क्या करना है कि लॉक की में ऊपर एल की लगा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एल की इसके साथ लगा होता है, तो एल की से हमें ये लॉक की खुलेगा। तो चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं। ये है एल की नट। अब इसको खींचकर हम निकाल लेंगे। इसमें सॉकेट लगा होता है वायर का, ये भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुराना लॉक की हमने निकाल लिया है। अब आपको दिखा रहे हैं कि नया हमने लेकर आया है। तो ये देख सकते हैं कि ये लॉक की पूरे सेट है। तो जब भी ये लगभग आपको 300 रुपये पड़ेगा, किसी भी दुकान में आपको पड़ेगा ये। जब भी आप लॉक की बदले तो पूरा सेट ही बदले, ताकि एक ही चाबी से हमारा सारा कुछ खुल जाए, फ्यूल का टंकी भी खुल जाए, साइड कवर भी खुल जाए एक ही चाबी से। तो अगर एक बदलते हैं तो अलग अलग चाबी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी लॉक की बदले तो पूरा सेट बदले। तो चलिए इसको हम ओपन करके दिखाते हैं इसमें पूरा सेट में क्या मिलता है। ये लॉक की का पूरा सेट है 300 रुपये का, किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा। बाइक पार्ट्स के दुकान में आप जाए कहीं भी मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ये साइड कवर का लॉक है। तो ये साइड कवर का लॉक दो पीस आता है दोनों तरफ का, और एक ये है फ्यूल टंकी का लॉक। तो एक ही चाबी से ये सारा खुलेगा लॉक, इसलिए लॉक सेट लगाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दो की दिया हुआ है चाबी, इसी चाबी से सब खुलेगा। और ये है मेन लॉक की जिसे हमें चेंज करना है। इसमें चार वायर लगा होता है स्प्लेंडर प्लस में। तो इसको चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसे लगेगा, किधर कौन सा करेंगे तो अच्छी तरह लगेगा। इसमें एल की टाइट होता है। तो चलिए इसको हम बाइक में लगाते हैं। तो देखिए लगाने के पहले आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये एल की है, इसका एल की दो लगेगा इसमें टाइट करने के लिए। तो जो हैंडल को लॉक करता है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो दिखाई दे रहा है लोहा का, ये देखिए ये हैंडल को लॉक करता है। तो ये हैंडल की तरफ रहेगा, यानी आगे टंकी की तरफ रहेगा। और इसको हम जो लंबा सिरा है उसको ऊपर करके इसको लगाकर और इसमें हम एल की टाइट कर देंगे। ये है एल की। चलिए इसको एल की को भी टाइट कर देते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आता हूँ। अब ये सॉकेट हमें लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायर जो सॉकेट है पूरा, इसको ओपन करेंगे और इसमें हमें सॉकेट मिलेगा फोर वायर का। ये फोर वायर का सॉकेट है और जो लॉक की में है वो भी फोर वायर का सॉकेट है। दोनों को हम एक कर देंगे, यानी दोनों सॉकेट। इसमें देखिए फोर वायर का लॉक है और ये वायर है, और ये सॉकेट को हम एक कर देंगे, दोनों सॉकेट को लगा देंगे। तो ये हमारा लॉक की कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लॉक की काम करेगा और हैंडल भी लॉक होगा, चाबी भी काम करेगा और स्विच भी काम करेगा। तो यहाँ पे लॉक हम लगा कर दिखा रहे हैं आपको। ये चाबी हमने लगाया, ये ऑन किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।